नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। संविदा पर जीएनएम भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। मेरिट को चुनौती देने वाली याचिकाएं सभी खारिज हो चुकी हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा पर जीएनएम पदों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार को राहत मिली। राजस्थान हाईकोर्ट जज अरुण भंसाली ने जीएनएम पद के लिए राज्य स्तर पर जारी की गई चयन सूची पर लगाई गई रोक हटाते हुए इसको चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सरकार को नियमानुसार चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार राज्य सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के लिए संविदा पर 3,167 जीएनएम व 1,789 जीएनएम की भर्ती के लिए 28 जनवरी 2016 को आवेदन मांगे थे। विज्ञापन में कोई संकेत नहीं दिया था कि मेरिट लिस्ट जिला स्तर पर बनेगी या राज्य स्तर पर। याचिकाकर्ता रामदीप प्रजापत व अन्य याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। आवेदन पत्र में अपना गृह जिला अंकित किया। गत 18 फरवरी को नोटिस जारी कर सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रूप से 34 जिलों की प्राथमिकता बताने के लिए कहा गया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा गत 12 अक्टूबर को प्रोविजन रूप से चयन सूची जारी की गई। यह सूची राज्य स्तर पर जारी की गई थी और इससे असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ताओं ने रीट याचिकाएं दायर की। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद कहा कि सरकार ने प्रियंका के मामले में राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बनाने के दिए फैसले की पालना करते हुए चयन सूची राज्य स्तर पर बनाई है, इसलिए इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। बताते हुए कोर्ट ने राज्य स्तर पर चयन सूची बनाने के विरुद्ध दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। रेस्पोंडेंट्स की ओर से एएजी कर्ण सिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता कैलाश जांगिड़ व रजत अरोड़ा ने पैरवी की।